आज हम लौकी और मेथी के मिक्स चटपटे मुठिये बनाएंगे। नमस्ते, कमला फूड पार्किंग में आपका स्वागत है। दोनों के मुठिये बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम लौकी ली है और मेथी की एक गड्डी ली है। मुठिये में डालने के लिए ये आटा है, गेहूं का आटा ही है जिसे रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। ये भी गेहूं का आटा है पर इस आटे से थोड़ा सा बड़ा है। इसे पंजाबी आटा भी बोलते हैं, गोल आटा भी बोलते हैं और बड़ा आटा भी बोलते हैं, मोटा आटा भी बोलते हैं। ये मक्की का आटा है। मुट्ठी में डालने के लिए ये सारा सामान है। सबसे पहले हम लौकी को छील लेंगे। ये देखिए, मैंने लौकी छील ली है और इन छेद से हम लौकी को घीस लेंगे। हमें लौकी को ऐसे ही घीसना है, इसके बीच में से कुछ नहीं निकालना है। लौकी काली ना पड़े इसलिए इसके ऊपर आटा डाल देते हैं। ये बड़ा आटा है, ये मैं 1.5 कटोरी बड़ा आटा ले रही हूँ। 1 कटोरी ये गेहूं का छोटा आटा है। अब रोटी वाले आटे के बाद ये मक्की का आटा है। मक्की का आटा 1 कटोरी, हमने ये बड़ा आटा 1.5 कटोरी लिया है, मक्की का आटा 1 कटोरी लिया है और रोटी बनाने वाला आटा 1 कटोरी लिया है। अब हम मेथी को काट लेंगे। अब ये मैंने मेथी काट दी है, मैं ये सारी कटी हुई मेथी इसमें डाल देती हूँ। मैंने ये जो धनिया लिया था उसमें से थोड़ा सा धनिया काट लेती हूँ। अब मैं ये धनिया पत्ती भी इसमें डाल देती हूँ। ये 4 हरी मिर्ची मैं इसमें क्रश कर लूँगी। ये क्रश की हुई हरी मिर्ची मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच तिल, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच नमक, नमक अपन छोंक लगाते समय भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी 2 छोटे चम्मच तेल, मलाई, 1.5 चम्मच मलाई। अब मैं इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डालती हूँ, 1/2 चम्मच और डाल देती हूँ। 2.5 चम्मच नींबू का रस डाला। ये मैंने 3 ग्लास इस कुकर में पानी लिया है, इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ और इस प्लेट के मैं तेल लगा देती हूँ। ये ऑयल लगाने से चिपकते नहीं हैं। अब हम इनको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। मैं ये सारा सामान इस बड़े बर्तन में ले लेती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इतने से आटे को टेस्ट कर लें, अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लगे तो और डाल सकते हैं। मुझे इसमें कुछ भी कम नहीं लग रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हल्के हाथों से इकट्ठा कर लूँगी। इसको गूँथना नहीं है रोटी के जैसे आटे की तरह। इसको ज़्यादा लूज़ भी ना करें, यानी कि गीला भी ना करें। ये देखिए, इस आटे को गूंथने के लिए हमें 1 गिलास पानी लगा है। ये देखिए, ऐसा टाइट टाइट ही इकट्ठा करें। अब हम इसके बेल बना लेंगे, ऐसे दबाते हुए बेल बनाएं। ये देखिए, मैंने बनाई है, मोटे मोटे ही बनाए। मैं इसके अंदर रख देती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे रोल बना लिए हैं। ये देखिए, हमारा पानी उबल रहा है। अब मैं इस प्लेट पर रख देती हूँ। अब मैं ये सारे रोल रख दूँगी। आपके अगर ज़्यादा रोल हो तो आप इनके ऊपर भी रख सकते हैं। अब मैं ढक्कन लगा दूँगी और 5 मिनट हाई फ्लेम ही रखूँगी, हाई गैस ही रखूँगी। 5 मिनट बाद
अब मैं गैस को स्लो कर देती हूँ और 30 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाएंगे। सॉरी, हम गैस को मीडियम रखेंगे, स्लो नहीं रखेंगे। हमारे मुठिये बनते हैं तब तक हम हरी चटनी, ग्रीन चटनी बना लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, आधी हरी मिर्ची है, 4-5 लहसुन की कली है। इसको मिक्सर में बारीक पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। ये देखिए मैंने चटनी बना ली है। अब इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब मुठिये को चेक करते हैं, 35 मिनट हुए टोटल मुठिये को। चाकू लगा के देखते हैं हुए कि नहीं। ये देखिए हो गए हैं हमारे मुठिये। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब इन मुठियों को किसी थाली में निकाल कर एकदम से ठंडा करेंगे। मैं अब इन मुठियों को 25 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडे होने दूंगी, नहीं तो पंखे में रख दूंगी। मुठियों को हमेशा ठंडे होने के बाद ही काटें। अगर ठंडे मुठिये काटेंगे तो आपकी मुठिये बिखरेंगे नहीं। ये देखिए मैंने चाकू से सारे रोल काट दिए हैं। ये कढ़ाई में मैंने 3 छोटे चम्मच तेल रखा है, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच तिल। अब मैं गैस लो कर दूंगी और ये मुठिये इसमें डाल दूंगी। अब हम इनको मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, धीरे धीरे हाथ से करें ताकि ये मुठिये टूटे नहीं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब हम इन मुठियों को चटपटा बनाएंगे। ये चीज़ का पैकेट है, मैं इसके अंदर घिस लेती हूँ। अगर आपको इन मुठियों में नमक कम लगे तो आप छोंक लगाते समय भी ये थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। मैं इसके ऊपर ये डालती हूँ। अब मैं ग्रीन चटनी के ऊपर 1 मुठिया और रखूँगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सॉस लगाऊँगी। अब मैं इसके ऊपर चीज़ डालूँगी, धनिया पत्ती। आप इसे चटपटे मुठिये बना के भी खा सकते हैं और आप इस तरीके से इसके ऊपर धनिया डाल के भी खा सकते हैं। लीजिए, हमारे चटपटे मुठिये तैयार हैं। आप खाइए, अपना टेस्ट, अपने विचार। अगर इस वीडियो में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है या हमारी सारी वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये रेसिपी आप ऐसे डेकोरेट मुठिया, चटपटे मुठिया आप पार्टी में भी बना सकते हैं।